तो ये हमारा कुआं है और यहाँ पे दीदी आंटी लोग मिलके यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं। तो ये हमारा पूजा का बर्तन है, मतलब आज खरना है, आज छठ पूजा का दूसरा दिन है तो आज खरना है, आज ही प्रसादी बनता है। तो जिस बर्तन में भी प्रसादी बनेगा उस सारे बर्तन को दीदी और आंटी लोग मिलके यहाँ पे बैठ के सब धो रहे हैं। तो घर में तो मतलब हर तरह का बर्तन होता है ना, तो इसीलिए वहाँ पे नहीं धो रही है ये लोग, कुआं पे वैसे भी कोई बर्तन नहीं धोता है। तो ये साफ सुथरा जगह है, यहाँ पे पानी निकाल के डायरेक्ट अच्छे से धो रहे हैं ये लोग। तो आज से छठ पूजा पूरा तरह से स्टार्ट हो चुका है, आज घर में बहुत भीड़ होगा, बहुत लोग प्रसादी खाने आएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामना देना चाहती हूँ, सबको मेरी तरफ से हैप्पी छठ पूजा। तो वैसे तो आप लोग को लग रहा होगा मेरा आँख इतना लाल क्यों है, मैं इतना रो क्यों रही हूँ। तो आँख लाल होने का कारण है कि आज खरना, आज घर में प्रसादी बन रहा है और प्रसादी लकड़ी से बनता है, तो पूरे घर में बहुत सारा धुआं हुआ है जिसके कारण पूरा आंख लाल हुआ है। मतलब 2 मिनट भी आप घर में टिक नहीं पाओगे। तो मैं आंगन में आके आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो अभी मम्मी प्रसादी बना रही है, तो हम लोगों का प्रसादी बहुत सिंपल बनता है, हम लोगों का बस खीर बनता है। तो मम्मी ने बस खीर बनाया है। अच्छा, तो मेरे घर में सारथी दी भी छठ पूजा करती है, तो 4 साल से वो छठ पूजा कर रही है, बट इस बार उनकी सासू माँ का 2 महीने पहले डेथ हो गया, तो इस बार वो छठ पूजा नहीं करेगी। मतलब वो फास्टिंग नहीं करेगी, पूजा का कुछ भी वो टच नहीं करेगी, ना कुछ पूजा का चीज़ में वो ये इन्वॉल्व होगी। तो इस बार सारथी दी का छठ पूजा मम्मी करेगी, तो इसीलिए हम लोग के यहाँ दो दो प्रसादी बन रहा है, एक हम लोगों का भी खीर बनता है और सारथी दी का भी गुड़ का खीर बनता है। तो हम लोगों का प्रसादी बन रहा है, थोड़ी देर में बन जाएगा, उसके बाद फिर मम्मी दीदी का प्रसादी भी बनाएगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। अब धुआं के कारण मेरा गला थोड़ा बैठा है, तो आवाज़ थोड़ा धीरे आ रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम लोगों का छठ पूजा कैसे होता है, क्या होता है, कितना नियम से होता है। तो प्लीज़ देखने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। प्रसादी बनाना स्टार्ट करेगी, तो देखिए प्रसादी आम की लकड़ी में बनती है। अभी कुछ स्टार्ट हुआ नहीं, मम्मी अभी स्टार्ट करेगी। इधर ये चावल है। अच्छा, तो सबके घर में ना बहुत सबका अलग अलग होता है ये जो प्रसादी बनता है। तो किसी के घर में रोटी, चावल, चना का दाल और पिट्ठा बनता है, बट मेरे यहाँ सिंपल सा खीर बनता है। क्योंकि मम्मी बहुत छोटी थी तो मम्मी ने ये पूजा स्टार्ट किया, इसीलिए नानी ने ज़्यादा ये नहीं रखा। नानी ने ये सोच के इतना सिंपल प्रसादी रखा कि अगर अकेले भी रहेगी तो बनाएगी। तो वैसे भी मम्मी हमेशा अकेले ही बनाती है, अभी मेरी दो दो बड़ी दीदी है, मैं भी हूँ, बट कभी भी हम लोग को नहीं बनाने देती है, बोलती है नहीं तुम लोग से ठीक से नहीं होगा, कुछ गलत हो गया तो मम्मी नियम का बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान रखती है। तो इसीलिए मेरे यहाँ बस प्रखीर बनता है। अच्छा, तो इस पूजा में प्रसादी बनाने के टाइम या पूजा करने के टाइम बिल्कुल भी मतलब ये मतलब कपड़ा नहीं पहना जाता है, पूरा कपड़ा, जैसे साड़ी के साथ साया ब्लाउज होता है तो वो नहीं पहना जाता है। पहले के लोग या फिर अभी गांव में अभी भी बहुत लोग सिर्फ धोती लपेट के करते हैं, बट अभी धीरे धीरे जो लोग पूजा स्टार्ट किए हैं वो लोग साया ब्लाउज इसमें लगाया जाता है। बट मेरी मम्मी ने बहुत पहले किया था, तो उस टाइम नानी ने जैसे बताया तो वैसे ही किया, तो मम्मी बस सिर्फ साड़ी ही पहनती है और साया ब्लाउज कुछ भी नहीं। तो देखिए हम लोगों का उधर प्रसादी बन चुका है और इधर दीदी का बन रहा है, तो हल्का सा ही बनेगा दीदी का, क्योंकि वो तो इस बार छठ पूजा नहीं करेगी, तो थोड़ा सा बस नियम के लिए मम्मी उनका भी बना रही है। तो मम्मी दीदी का गुड़ का खीर होता है और हम लोगों का बस सादा भात होता है, उसके बाद हम लोग ऊपर से गुड़ और दूध दे के प्रसादी मम्मी सबको बांटती है और खाती है। तो हम लोगों का प्रसादी बन चुका है और उधर दीदी का बन रहा है, और देखिए वहाँ पे आपको इतना सारा डब्बा मिल रहा है, तो वो सारा डब्बा उसमें गंगा जल है, तो प्रसादी उसी से बनता है। मम्मी सब में गंगा जल देती है, तो वहाँ पे वो सारा गंगा जल रखा हुआ है। मम्मी लोग भी बाहर गई थी नहाने के लिए, हम लोग भी पंडेश्वर गए थे, तो हर जगह का वहाँ पर है। तो यही था हम लोगों का पूजा रूम, मैंने बताया था ना कि पूजा रूम छठ पूजा में पूरा खाली होता है, तो देखिए पूजा रूम पूरा खाली हो चुका है, यहाँ पे छठ पूजा का सामान रखा हुआ है। और कल तो इसमें एकदम जगह नहीं रहेगा, क्योंकि कल सारा प्रसादी आएगा।
तो प्रसादी बन चुका है, मम्मी अब खरना करने की तैयारी कर रही है। तो फिलहाल मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ प्रसादी खाने के लिए, बट थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि मम्मी अभी वहाँ पे सजा रही है, पूजा करेगी, उसके बाद पहले मम्मी प्रसादी खाएगी फिर हम लोग खाएंगे। हाँ देखिए दुर्गापुर के 3 बंदर आए हैं प्रसादी खाने के लिए, पहला बंदर, दूसरा बंदर, तीसरा बंदर। हाँ ये ब्लॉग में जाएगा। तो देखिए ये लोग फोन में ही बिजी है, आया है पूजा में लेकिन फोन में बिजी। तो ये लोग से पहले पूछते हैं कि यहाँ के कैसा लग रहा है, क्योंकि ये लोग का मुंह देख के लग रहा है बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे हैं। देखिए अभिजीत को तो नींद भी आ रहा है, बेचारा अपना आँख खोल रहा है। तो बताओ कैसा लग रहा है आके? उसने पहले ही बोल दिया कि वो कुछ बोलेगा नहीं। बंटी बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए फोन चला रहे हो। तुम बोलो कैसा लग रहा है? बोर हो रहे का ये क्या मतलब, ये बोर नहीं होता है। और ये देखिए तुमको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा। तो ये देखिए यही आरती दी है, यही छठ पूजा करती थी, बट इस बार वो नहीं कर पाएगी। तो देखिए अभी ये चाय पी रही है, वरना इस टाइम वो उसका मुंह सूखा हुआ रहता। तो फिलहाल ये लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इन लोगों के घर में वाईफाई है और मेरे घर में बिल्कुल नहीं। बेचारा लोग सबसे वाईफाई मांग रहा है, मेरा पूरा फोन का वाईफाई नेट। ओ हाँ 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 आईफोन वाले, देखे 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 ना, दिखे देखे ना। तो इन्हीं की वजह से आज मैं ज़िंदगी में पहली बार आईफोन को अपने हाथ में ले पाई हूँ। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं कभी सामने से आईफोन को देखूँगी, बट इनकी बदौलत, मेरे बेटे की बदौलत मैंने आईफोन को अपने हाथ में लिया। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना, ये क्या चीज़ है इतना, मैं जिसके लिए पूरा दुनिया मतलब पागल है, ये है क्या। बट सच में हाथ में लेके खुद को मैं बहुत अमीर फील कर रही थी, लग रहा था मैं बहुत अमीर हूँ। और ये अभिजीत के किडनी का बहुत दौलत, अभिजीत का किडनी लगा है इस आईफोन में, दिखा दे भाई किडनी। देखिए अभी जो लॉन्च हुआ है कौन सा, आईफोन 14 और प्रो मैक्स। तो देखिए इनके पास वो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आईफोन का कितना नंबर चल रहा है, 14 13 कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो देखिए मम्मी ने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली है, अब मम्मी पूजा करेगी। तो मम्मी यहाँ पे ज़्यादा किसी को बोलने नहीं देती है, अब हम लोग घर से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि मम्मी पूजा करेगी। तो मैंने सोचा जल्दी से थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। ये मिट्टी के इसमें मम्मी क्या बोलता है मम्मी उसको, हम जिसमें प्रसादी है, अच्छा मिट्टी का इसमें प्रसादी देके पान के पत्ते से ढका जाता है। और मम्मी देखिए ये प्रसादी खाएगी, तो मैं मम्मी प्रसादी खा लेगी उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अर्पिता, परी, गोलू और भी बाबू लोग, जितने भी यहाँ के बच्चे, सबको पटाखा जला रहे हैं, सबको बहुत यहाँ पे इंजॉय कर रहा है। तो ये लोग दिवाली में नहीं आ पाए ना, तो इन लोगों का सारा पटाखा और फुलझड़ी सब रखा हुआ था, तो ये लोग वही अभी जला रहे हैं। तो मम्मी का पूजा हो गया, मम्मी खरना कर ली, अब हम लोग सब मम्मी का आशीर्वाद लेंगे, प्रसादी लेंगे, मम्मी सबको टीका लगाएगी। तो अभी सबको बारी बारी से मम्मी को प्रणाम करेंगे। तो देखिए मम्मी ने खरना कर लिया, अब खरना करने के बाद सबसे पहले मम्मी को सबको प्रणाम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रसादी खाएंगे। तो अभी दीदी, जीजा लोग, सब कोई जितने भी घर में मेंबर है सब मम्मी को प्रणाम करेंगे। देखिए यहाँ पे मम्मी ने पूजा किया, उसके बाद मम्मी ने प्रसादी खाया। तो ये जो प्रसादी मम्मी ने छोड़ा है वो हम लोग खाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रसादी है, मम्मी जो खा के छोड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग ये खाएंगे, उसके बाद अब जितने लोग भी आएंगे सबको प्रसादी हम लोग देंगे। और ये देखिए ये मिट्टी के बर्तन, ये इसको कहा क्या बोलता है, नहीं जिसमें प्रसादी है जिसको नेउज बोला जाता है, तो इसमें प्रसादी चढ़ाया जाता है और पान के पत्ते से ढका जाता है। तो हो गया, अब हम लोग प्रसादी खाने जा रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से।
मम्मी ने जो प्रसादी छोड़ा था तो मम्मी का जूस था, ये हम लोग खा रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रसादी है तो हम लोग पहले इसको खा लेंगे, उसके बाद सबको हम लोग खिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मम्मी के खरना करने के बाद हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी से प्रसादी लगा रहे हैं क्योंकि बहुत कोई खाने के लिए आए हैं, तो इसीलिए हम लोग इसमें सारा प्रसादी सजा के रख रहे हैं क्योंकि एक बार में 10-10 लोग, 5-5 लोग, मतलब ऐसे करके सबको एक साथ आते हैं तो देने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग पहले से इसको तैयार करके रखते हैं। और यहाँ पे बहुत कोई छठ पूजा करते हैं, मतलब सिर्फ बंगाली लोग को छोड़ के बाकी सब कोई छठ पूजा करता है, ज़्यादातर यहाँ पे बिहारी हैं तो सबके घर में होता है, तो सबके घर में सबको प्रसादी खाना होता है, इसीलिए सबको पहले ही बोल देते हैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा सा दीजिएगा। तो हम लोग हल्का हल्का प्रसादी सब में दे रहे हैं। तो देखिए जो सादा भात, गुड़ और दूध है ये हम लोग का प्रसादी है, और ये गुड़ का खीर है वो सारथी दी का प्रसादी है। तो अभी हम लोगों ने सबको प्रसादी खिला दिया, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मैं सबको प्रसादी खिला रही थी तो इतना बिजी थी मतलब प्रसादी देने में कि मैंने सोचा कि जब सब कोई खाएंगे तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, बट वो मैं नहीं कर पाई। मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाया, सबको हम लोग निकाल निकाल के प्रसादी दे रहे थे और सब कोई सबको बांट रहा था, कोई पानी दे रहा था, मतलब बहुत बिजी थे। मतलब बहुत अजीब लग रहा है कि मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया कि जब सब कोई प्रसादी खा रहे थे, तो उसके लिए थोड़ा ख़राब लग रहा है क्योंकि सब कुछ मैंने दिखाया बट वो जो सबसे मेन था सब कोई प्रसादी खा रहे, कितना लोग आए थे खाने के लिए वो सब मैं नहीं दिखा पाई। तो हम लोगों ने 7 बजे से हम लोगों ने प्रसादी खिलाना सबको स्टार्ट किया और अभी बज रहे हैं 9। तो मेरे पीछे घड़ी है, आप लोग एक बार देख लीजिए, अभी बज रहे हैं 9। तो बहुत देर से हम लोग खिला रहे और शायद अब कंप्लीट हो गया। तो बगल में मामा मामी जी भी करते हैं, मामी पहली बार कर रही है, तो उन लोगों ने हम लोगों को इनवाइट किया है, दीदी जीजा सबको इनवाइट किया है, खाने के लिए बुलाया। तो बहुत देर से वो हम लोगों का वेट कर रहे थे बट अभी तो हम 9 बज चुका है, तो अभी बार बार फ़ोन आ रहा है उनका। तो हम लोग अब सबको यहाँ पे मतलब हम लोगों ने प्रसादी खिला दिया, तो मम्मी बोल रही है कि तुम लोग जाओ, अब जो भी आएगा उसको मैं प्रसादी खिलाऊंगी। तो अभी हम लोग मामा मामी के घर जा रहे हैं। तो जो भी हो, ये तो ख़राब लग रहा है कि सबको आया था, उतना अच्छा से हम लोग सबको प्रसादी खिला रहे थे, बहुत लोग आए खाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, ये सबसे मतलब बेस्ट पार्ट है सबको प्रसादी खिलाना, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो उसके लिए सॉरी। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे खाने के लिए, अगर वहाँ पे खाली रहा तो मतलब ज़्यादा लोग नहीं रहे, भीड़ भाड़ नहीं रहा, तो मैं वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अपने मामी के यहाँ जा रहे हैं, जो मामा मामी मेरे बर्थडे के दिन आए थे उनके भी घर में होता है, तो हम लोग उन्हीं के यहाँ। नहीं, अभी देखिए उस साइड डेकोरेशन हुआ है छठ पूजा के लिए फिलहाल। तो हम लोग जो जने 6 जन सब मिलके मामा के यहाँ जा रहे हैं, जो मामा जी मेरे बर्थडे पे आए हैं, बच्चे लोगों का आता पता है नहीं, हम लोग निकल पड़े। तो चलिए देखिए हम लोग मामी के यहाँ बैठे हैं, हम चारों 5-6, ये मेरी दीदी इधर देख दीदी में। तो देखिए मामी के यहाँ कितना सारा वैरायटी बना है, खीर है, ये रोटा है, ये पिट्ठा है, रोटा नहीं बोला। इसको देखिए इतनी छोटी सी बच्ची मतलब फोन के लिए इतना ये परेशान हो रही है कि हम लोग जब भी इसका फोन ले रहे हैं तो पूरा चिल्लाने लग जा रही है। तो प्रसादी खाने के बाद हम लोग इसको बहुत परेशान किए हैं, तो अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो मिलिए मेरी दोनों बंदरिया से, कितने घरों में तुम लोग प्रसाद खा के आई हो? 5 या 4। 5 या 4, मतलब 4 से कम नहीं है। और हम लोग अभी मामा मामी के घर से खा के आ चुके हैं, तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए जो कल छठ जो हम लोग घाट जाते हैं इवनिंग में और मॉर्निंग में, तो उसका अलग ब्लॉग बनेगा। तो प्लीज मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज, मेरी मौसी को वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए घंटी बजाते रहिएगा। दोनों की बात जरूर मानिएगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूले। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। देखिए यहाँ पे सोने के लिए बेड लगा है इन लोगों का, इन 3 बंदर और 1 बंदरिया का बेड यहाँ लगा है। जी जा साइड साइड साइड, मेरा ब्लॉग चालू है।
वहाँ पे देखिए मम्मी सोई है, मम्मी ने फास्टिंग किया तो मम्मी बेड पे नहीं सो सकती है, इसीलिए वो नीचे सोई है। जल्दी जल्दी पार होइए ना, जाइए जाइए जाइए, बाद में आपको भी लेंगे। वहाँ बेड पे पापा सोए हैं, अंधेरा है, सब कोई लाइट बंद करके सोए हैं। एक बेड देखिए, ये दो बंदर जो स्पेशल बंदर है मेरे दोनों जीजा जी, उनके लिए बेड लगा है। और देखिए यहाँ पे हम लोग सोएंगे एकदम आराम से। तो हम लोगों के घर में जगह नहीं है क्योंकि ये हम लोग का खुद का घर नहीं है, क्वार्टर है, तो क्वार्टर में जगह बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने 3-4 जगह बेड लगाया है, सारा सामान इधर उधर हुआ है। तो गुड नाइट बोलिए सबको। गुड नाइट, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।